नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देश के बहुत इम्पोर्टेंट कंसर्न पे बात करने वाले हैं, वो है वैक्सीनेशन। एक्चुअली कुछ कंट्रीज ने ऑलरेडी अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम फिनिश कर दिया है, यहाँ जस्ट लाइक इसराइल। ओके, आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा न्यूज़पेपर्स में एंड ऑल। ओके, सो हमको भी बहुत जल्दी ये सब समस्या से उभरना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं हम लोग 140 करोड़ लोग हैं, अभी 20 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है, आप देख रहे हैं। तो बहुत मेजर डिस्टेंस है, मतलब बहुत बड़ा गैप है। ओके, आप अभी जो मैं आपको शेयर कर रहे हैं आप लोग देख पा रहे होंगे शायद, करेक्ट, आई विल शेयर एग्जैक्टली विद यू। 140 करोड़ में से हमने 20 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन किया है, तो अभी 120 करोड़ लोग और बच रहे हैं। दिस इज वेरी बिग गैप। अगर यही एग्जिस्टिंग वैक्सीनेशन प्लान को हम लोग फॉलो करके अगर वैक्सीनेशन किए, तो हम लोग कितना टाइम लग जाएगा यार। आप देख रहे हो बहुत सारे जगह तो वैक्सीन पहुंच नहीं रहे हैं, काफी जगह तो 2 बजे तक ही वैक्सीन फिनिश हो रहे हैं। इट्स वेरी क्रिटिकल कंडीशन राइट नाउ। ओके, सो क्यों ना हम लोग ऐसे कंट्रीज को कुछ आइडियाज को इम्प्लीमेंट करें हमारे देश में। और एक्चुअली क्या लॉसेस बहुत हो रहा है यार, कोई भी सेगमेंट आप देखो, इंडस्ट्रियल सेगमेंट देखो, कॉर्पोरेट सेगमेंट देखो, एग्रीकल्चर सेगमेंट देखो, एजुकेशन सेगमेंट देखो, कोई भी बिजनेस पेशा देखो आप, हमारा अल्टीमेटली जीडीपी में लॉस हो रहा है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो कुछ प्लान से हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं, बराबर है। ओके, सो देखो अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है, हम लोग को देश बाहर से वैक्सीनेशन को अलाउ करना चाहिए इंडिया में। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो 2 वैक्सीन है हमारा इंडिया का, उतना पब्लिक को हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे, बराबर है। ये सब वैक्सीनेशन कंपनीज को हम लोग ला के यहाँ पे इनके छोटे छोटे आउटलेट्स बना सकते हैं। देखो मेरी बात सुनो, काफी वैक्सीन से आई विल जस्ट गिव एग्जाम्पल टू यू। हाँ, आप लोग देख रहे होंगे इट्स वॉट फाइजर, हाँ, नोवेक्सा, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना, बहुत सारे ऐसे वैक्सीन कंपनी है। अब एक्चुअली हमारे साथ क्या समस्या है, स्टोरेज की प्रॉब्लम है। आई विल गिव जस्ट फ्यू एग्जांपल टू यू, मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल शेयर करते हैं। आपको पता है डोमिनोज हमारे इंडिया का कंपनी नहीं है, पिज़्ज़ा हट हुआ, उबेर हुआ, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो इंडिया के नहीं है, लेकिन उन्होंने आके बहुत अच्छा रोल मॉडल यहाँ पे क्रिएट किया है। आपको पता है पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, वो 30 सेकेंड में पिज़्ज़ा डिलीवर, मतलब 30 मिनट में, अभी आपको पता होगा पिज्जा 30 मिनट में वो लोग डिलीवरी कर देते हैं। अंडरस्टैंड माय पॉइंट ना, डिलीवरेबल पॉइंट पे, अदरवाइज वो पिज्जा फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो क्यों ना यार हमारे पास इतना, अगर अभी हमारा जीडीपी सब लॉस हो रहा है, तो क्यों हम लोग प्राइवेट पार्टनर्स को नहीं ला सकते है? हाँ, हम लोग ये सब पार्टनर्स को लाके इनके छोटे छोटे आउटलेट्स सिटीज में लगा सकते हैं। देखिए आप समझिए, हम लोग 120 करोड़ लोग अभी बच रहे हैं जिनको वैक्सीनेशन करना है, बराबर है। अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, जितना मैं जानते हैं और आप लोग भी अपने पर्सनल एस्पेक्ट मुझे शेयर कर सकते हैं, कम से कम हमारे देश की 30% ऐसी जनता है जो खुद पे करके वैक्सीन लगा सकती है। क्या आपको लगता है कि, देखो आप देखो उधर वैक्सीनेशन सेंटर पे आप लोग जाके देखेंगे तो कोई कोई बंदे 40 लाख 50 लाख की गाड़ी से उतर के वैक्सीन लगवा रहे हैं। भाई उनको लाइन में नहीं लगना है यार, हमको गरीबों का हक मारने जैसा काम नहीं करना है। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ना? देखो बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे सोशल लोग इनिशिएट ले सकते हैं, अगर हम लोग ये लोगों को भी लाएंगे, अगर इन लोगों को पकड़ के हमने 30 करोड़ लोगों को भी वैक्सीनेशन कर दिया, 20 करोड़ हमने ऑलरेडी कर दिया है, और हमारे पास जो कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, ये लोगों को भी, इसके लिए भी हम सोच सकते हैं यार, सोच सकते हैं। ये सोचने का टाइम है। देखो एवरीवन मस्ट बीन कंट्रीब्यूटेड, हाँ, ये टाइम है। देखो प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया है, हमारे देश ने हमको बहुत कुछ दिया है, अंडरस्टैंड ना, आज हमको उसको देने का टाइम है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? करेक्ट, ठीक है। मुझे लगता है कि कुछ प्राइवेट कंपनीज है, ये लोग के पैटर्न होते हैं, तो ये पैटर्न 20 साल तक किसी को भी नहीं देते हैं, बराबर है, तो ठीक है इनका चलता है। लेकिन हमारे देश का जहां मुद्दा आता है, तो हम कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों कंपनीज को, हमारे बाकी फार्मा इंडस्ट्रीज को इसका प्लान आउट दे के वहां भी वैक्सीन का काम स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो हमको टारगेट सेट करने पड़ेंगे यार, 3 मंथ में हमको वैक्सीनेशन कैसे भी करके फिनिश करना है। इसके लिए जो भी शाम दंड भेद जो लग रहा है, हमको हर बंदे को कंट्रीब्यूट होके, क्योंकि अल्टीमेटली लॉस सब लोगों का हो रहा है। गॉट इट माय पॉइंट? जीडीपी सब चीज कंसर्न हम लोग देखें तो मस्ट बी, सब लोगों का कंट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे जो वैक्सीन है उसको हम लोग हमारे दूसरे फार्मा कंपनीज के साथ उसके फार्मूला शेयर करके वहां पे इसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और ये लोगों के आउटलेट्स हम लोग जगह जगह स्टार्ट करवा सकते हैं, जैसे इंदौर हुआ, भोपाल हुआ, हम लोग ऐसे बहुत सारे, हाँ, मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, करेक्ट, बड़े से एरिया को हमको इमीजिएटली टारगेट करके वहां का वैक्सीनेशन इमीजिएटली फिनिश करना चाहिए। क्योंकि आप देखो यार वहीं से इकोनॉमिक रन कर रहा है। अगर हम लोग बॉम्बे की बात करें तो गांव में कोरोना नहीं हुआ है, गांव से कोरोना नहीं फैला है, गांव से कोरोना सिटी की तरफ नहीं आया है, भाई सिटी से गांव की तरफ कोरोना आया है। तो सबसे पहले हमको बड़े सिटीज को टारगेट करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड।
तो अभी उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो गवर्नमेंट को पूरे रिसोर्सेस एक जगह लगा के बड़े बड़े सिटीज को पहले कवर करना चाहिए, क्योंकि वहीं से कोरोना फैल रहा है, बराबर है, ठीक है, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा हमको हर एंगल से, बट दिस इज ऑल्सो पॉइंट, ओके। सो ये सब चीजें हैं, ये वैक्सीन जो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, बराबर है, इनके हम लोग आउटलेट्स और भी ओपन कर सकते हैं, बराबर है। देखो मैंने आपको बताया कि 30% लोगों को हम लोग ये फार्मूलाज के थ्रू वैक्सीनेशन कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं बड़ी सिटीज को हमको पकड़ना पड़ेगा, सपोज भोपाल इधर पकड़ा हमने, करेक्ट, उसके साथ अगर बात करें हम लोग इंदौर या ऐसे बड़े सिटीज, गुजरात में अगर अहमदाबाद, वडोदरा, ऐसे बड़े सिटीज को हमको टारगेट करके दिन सेट करना पड़ेगा, 5 डेज 10 डेज उसका वैक्सीनेशन प्रोग्राम इमीडिएटली फिनिश करना पड़ेगा। तो ये मेरे कुछ जनरल पॉइंट ऑफ व्यू थे आप लोगों के साथ, करेक्ट। और अभी आपके भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, बट डेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपसे एक और बात करना चाहते हैं कि यार एटलीस्ट हमको 2 घंटा हर बंदे को अभी देश के लिए देना चाहिए, कैसे भी टाइम निकाल के, अगर आप लोग कैसे भी हेल्प कर पा रहे हैं। देखो आप लोग देखेंगे कि आसपास हमारे बहुत लोग ऐसे हैं जो एक साल में जिन लोगों को कोरोना हुआ है, बराबर है, तो हम लोग प्लाज्मा डोनेट में वो लोगों को मोटिवेट करें, अंडरस्टैंड ना। अभी प्लाज्मा से क्या होता है ना कि बंदा कोरोना से लड़ने के लिए उसका शरीर कैपेबल हो जाता है, बराबर है, करेक्ट, तो उसको प्लाज्मा डोनेट करने के लिए हमको मोटिवेट करना पड़ेगा। कुछ लोगों के नेगेटिव पॉइंट भी आ रहे हैं कि भाई वैक्सीन नहीं करना है, ऐसा नहीं कर, तो यू जस्ट एक इनिशिएट, जो एजुकेटेड है उसको इनिशिएट लेना पड़ेगा, हमको हमारे सोसाइटी को समझाना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ दिस द वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न, करेक्ट, टेक इट सीरियसली एंड ऑल, ओके। और गवर्नमेंट को भी हमको सपोर्ट करना चाहिए, अगर हमारे माइंड में कोई भी आइडियाज है तो गवर्नमेंट के साथ हमको डेफिनेटली शेयर करना चाहिए, बराबर है। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हैं, बट एवरी वन मस्ट बीन मोटिवेटेड समवन फॉर प्लाज्मा डोनेट। और भी कोई पॉइंट है, किसी भी एंगल से हम लोग किसी की हेल्प कर सकते हैं यार, आप कुछ शमशान में किसी के लिए हेल्प कर पा रहे हैं, वहां पे लकड़ियां पहुंचाने में हेल्प कर पा रहे हैं तो उसके लिए हेल्प करो, आप किसी को फाइनेंशियली हेल्प कर पा रहे हैं, आप किसी से बात करो एटलीस्ट यार, आप कुछ नहीं कर पा रहे तो किसी को सांत्वना देने का काम करो एटलीस्ट। सो दिस इज माय कंसर्न एंड ऑल, यू ऑल्सो शेयर योर आइडिया, ओके, मे बी ये प्लान गवर्नमेंट को भी ठीक लगेगा, है ना। एक्चुअली हम हमारे लीडर्स से बात कर सकते हैं ये सब में, बट इमीडिएटली कंपनी हमारे इंडिया में ये सब कंपनीज को अलाउ कर देना चाहिए हम लोगों को, बराबर है। इसके लिए डाउनफॉल क्या होंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे, वो सब हम लोग R&D करेंगे, बट दिस ऑल्सो पॉइंट, क्योंकि हमने बाकी कंपनीज को अलाउ किया है ना, उबेर को अलाउ किया है, मतलब जोमेटो, बहुत सारे से कंपनीज है यार, आपने नाम सुना होगा, पिज्जा हट एंड ऑल, सो हम लोग ये कंपनीज को भी अलाउ कर सकते हैं डॉल, ओके, क्योंकि हमारा गैप बहुत बड़ा है। सो नो इश्यू एंड ऑल, यू जस्ट शेयर योर आइडिया राइट नाउ विद मी, सो हम लोग फर्दर कंसर्न पे बात करेंगे, ओके, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट सेशन।